Hello Kolkata live with the winners of Dealer Sindhi Global Beauty Pageant that was held in Mumbai and we are speaking with Diya Lakhmani. Diya madam, what is your experience about joining this wonderful pageant and we have also won that pageant? Thank you so much sir. और ये दिलीप सिंधी ग्लोबल ब्यूटी पेजेंट जो हिना शहजादपुरी मैम के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया वो हमारी जैसी महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो शादी और बच्चों के बाद भी अपने सपनों को साकार कर सकती हैं। और इसका एक्सपीरियंस मुझे इतना अच्छा हुआ, मैंने इतना कुछ सीखा और ग्लोबली हम इतने लोगों से कनेक्ट हुए, बहुत बहुत हमारे बड़े बड़े लोग जैसे मिस इंडिया, मिस इंडिया ऑस्ट्रेलिया और बहुत से ऐसे दिग्गज लोग, एमपी इंदौर के एमपी शंकर लालवानी जी जिन्होंने हमें इस सम्मान से नवाजा, उन सब से हम रूबरू हुए और हमने ज़िंदगी की इस नए सफ़र में नई शुरुआत की। मैं दिया लक्ष्मणी एक एंकर और हिंदी टीचर हूँ और आज यहाँ सिंधी काउंसिल ईस्टर्न जोन में हमारा प्रोग्राम, हमारा फेलिसिटेशन हो रहा है जिसका मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। ये प्रोग्राम सिंधी नॉन सिंधी दोनों जनों को जोड़ करके हमारे समाज को और ज़्यादा मजबूत बनाने की एक नई कोशिश है। इस प्रोग्राम में We also have Mrs. Shilpa Raj who has won the best walk title. Madam, वहाँ पे कितने participants थे आपको याद हैं? उसके बाद जो लोग सिलेक्ट हुए उन लोगों को मुंबई बुलाया गया, वहाँ पे हमारे दो राउंड्स हुए, एक ट्रेडिशनल राउंड और एक इंडो वेस्टर्न फ्यूजन राउंड, जिसमें हम लोगों के दो राउंड्स के जरिए हमें सब टाइटल मिसेस बेस्ट वॉक का अवार्ड मिला। और कलकत्ता में कितने सारे पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे थे, आप लोग दो छोड़ के? कलकत्ता से और लोगों ने भी पार्ट लिया था बट हम दो सिलेक्ट हुए थे मुंबई के लिए और हम दो मुंबई गए थे, इसमें से इन्होंने रनर अप जीता, टाइटल अवार्ड जीता और मैंने सब टाइटल बेस्ट रैम वॉक का अवार्ड जीता। हेलो कोलकाता लाइव विद मिसेस दिया लक्ष्मणी, लाइव विद मिसेस शिल्पा राज, Dilet Sindhi Global Beauty Pageant winners, proud winners from Kolkata. और मैं एक होममेकर हूँ और मैं डांस सिखाती हूँ। मैंने एक मिसेस दिलेट सिंधी ग्लोबल ब्यूटी पेजेंट में पार्ट लिया था और वहाँ मैं ये मिसेस बेस्ट वॉक का अवार्ड सब टाइटल विनर रही हूँ और वहाँ जाके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ मिला और सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं हिना शहजादपुरी मैम का करूँगी जिन्होंने, मतलब हम जैसी महिला जो एक होम मेकर है जिनके ऊपर घर बच्चों की जिम्मेदारी है, उनको अपने सपने घर के साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा कर सकती है, इस चीज़ के लिए इंकरेज किया, आगे बढ़ाया और हमें अपना हाथ दिया कि आप आओ अपने सपनों को पूरा करो, इसके लिए बहुत शुक्रिया हमारे डायरेक्टर हिना शहजादपुरी मैम का। অর্গানাইজেশন আছে সিন্ধি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া, এটা 1996 এস্টাবলিশ হয়েছিল, আমি তার ফাউন্ডার মেম্বার। তো 1996 ফাউন্ডার মেম্বার হয়ে 2017 আমি এই অর্গানাইজেশনের প্রেসিডেন্ট হই। এই অর্গানাইজেশনটা মেনলি ফর্ম করা হয়েছে, আমরা সিন্ধিরা স্ক্যাটার হয়ে গিয়েছি হোল স্টেটে, আমাদের তো কোনো স্টেট নাই, তো এটা ফর দি পলিটিক্যাল গেইন অফ সিন্ধি যেটা অর্গানাইজেশনটা ফর্ম হলো। তারপরে যখন আমি প্রেসিডেন্ট হলাম 2017, তখন আমি দেখলাম যে শুধু পলিটিক্যাল গেম করলে তো হবে না, অনেক গরিব আছে, এই আছে, ওই আছে, তারা ওই পয়সার জন্যে কেউ খ্রিস্টান হয়ে যাচ্ছে, কেউ মুসলিম হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে সব ধর্ম সমান আছে, ভালো আছে, কিন্তু পয়সার জন্যে বা কমজোর লোক বিকাশ সেকশন কেন ধর্ম চেঞ্জ করবে, এরকম ধর্ম চেঞ্জ করবো ইচ্ছা আছে, ঠিক আছে, কিন্তু যখন আমরা এটা আমাদের একটা ফান্ড রেজ করলাম, ইয়ে করলাম, আমাদের একটা ভালো ফান্ড করলাম আর এমনি আমাদের সোসাইটিতে লিখলেই ওদের মেডিকেল, ওদের এডুকেশন বা যা কিছু ওদের নিড আছে, বেসিক এমনি যা আছে, আমরা মোটামুটি 5% লোক আমাদের কমিটিতে এরকম আছে, তাদের আমরা এই অর্গানাইজেশন থ্রুতে পুরা যা ডিমান্ড আছে। আপনাদের এই অর্গানাইজেশনে কতজন লোক আছে? এটাতে হোল ইন্ডিয়াতে প্রায় 20,000 মেম্বার হবে। হ্যাঁ, 20,000 মেম্বার হবে, আমাদের কলকাতাতেই প্রায় 400 মেম্বার আছে। কত বয়স হলো? কত বয়স? 1996 ফর্ম হয়েছিল, তো 4 হতে 27 বছর হলো এইটাতে। আর বেঙ্গলে অনেক 3-4 প্রেসিডেন্ট ছিল, আমি 2017 প্রেসিডেন্ট হলাম, 6 বছর থেকে আমি প্রেসিডেন্ট আছি। আপনাদের আগামী পরিকল্পনা কী আছে? আগামী আমাদের মেন পরিকল্পনা আছে
যে আমরা মেন তো আমরা এখন পিএমকে ডিমান্ড করছি যে আমাদের আলাদা স্টেট দেওয়া হবে, কেন আমাদেরকে ওখান থেকে যখন পাকিস্তান হয়েছে তখন আমাদেরকে কোনো স্টেট আমরা পাই নাই, তখন আমাদেরকে বলেছিল যে তোমাদেরকে আমরা ইন্ডিয়াতে স্টেট দিব, কিন্তু আমরা তো মিলেমিশে থাকি সবার সাথে, কেউ বেঙ্গলে আছে, কেউ আসামে আছে, কেউ নেপালে, হোল ইন্ডিয়াতে সবাই আছে, যেমন কলকাতাতে আমরা হার্ডলি 10,000 লোক আছে, তো আমরা এখন একটা। ম্যাডাম আপকে নাম আর ডেজিগনেশন, আপকে নাম আর ডেজিগনেশন? দয়া দাস, ইস্টার্ন জোন লেডিজ উইং প্রেসিডেন্ট। ইয়ে জো আমারা সিন্ধি অর্গানাইজেশন হ্যায়, ইট ইজ হেডেড বাই আ প্রেসিডেন্ট মিস্টার মহেশ মালকানি, হু ইজ দ্য প্রেসিডেন্ট, অ্যান্ড ইট কনসিস্ট অফ 12 মোর মেম্বার্স জিনকো অলগ অলগ ডেজিগনেশন দিয়া গয়া হ্যায়, অ্যান্ড দে আর ওয়ার্কিং অরাউন্ড দ্য ক্লক টু অচিভ দেয়ার এইমস। मैं गीता टहरानी, वाइस प्रेसिडेंट सिंधी काउंसिल ऑफ ईस्टर्न जोन लेडीज, या लेडीज। यू वांट टू ऐड एनीथिंग? हम लोग की रीशफलिंग भी हुई है सब मेंबर्स की, तो न्यू मेंबर्स को भी फेलिसिटेट कर रहे हैं, और हम लोग के जो अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी है उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म रखा है टू मेक देम नो ईच अदर, और उनके एंटरटेनमेंट के लिए भी, सो दैट दे कम फॉरवर्ड एंड जॉइन आवर क्लब एंड सबको बढ़ाने के लिए। तो आज आप लोग का उद्योग क्या है, व्हाट इज इनिशिएटिव फॉर टुडे? आज के एक्चुअली प्रोग्राम है, हम लोग ने सिंधी एक ब्यूटी पेजेंट है जहाँ पर हमारी लड़कियाँ गई थी, एंड दे आर मैरिड गर्ल्स, दे हैव वन द टाइटल, उनको फेलिसिटेट करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है।